हम खड़े हैं क्योंकि गणगंगा का मेला इस वक्त लगा हुआ है और जब कार्तिक मास का मेला लगता है तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। गंगा घाट पर हैं, लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कितनी आस्था है उनमें जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर भारी भीड़ होती है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कितनी संख्या यहाँ पर मौजूद है। चाहे फिर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, किस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और हर कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, हर कोई अपने पाप को धोना चाहता है, पुण्य को कमाना चाहता है और ये आस्था का सैलाब है जो हर साल आपको देखने को मिल जाएगा, जो इस साल यानी 2023 में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें श्रेष्ठ भारत आपको दिखा रहा है। कुछ लोग इस वक्त हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हर साल वो आते हैं और कैसे वाकई आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। वेद प्रकाश सर। वेद प्रकाश, क्या कहेंगे, लोगों की भीड़ है और हर साल मेले में लाखों की संख्या में लोग आते, 30 लाख लोग आए हैं इस वक्त भी। जी क्या नाम है, ये जब से मेला राजकीय हुआ है जब से ज़्यादा संख्या आ लगी है, पहले तो कमी आ रही थी, तो इस समय जनसंख्या को ज़्यादा मतलब श्रद्धा भाव है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। सरकार के इंतजाम जो किए हुए हैं उसकी तरह खुश हैं? ठीक है, अच्छा है, पहले से सुविधा अच्छी मिल रही है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो हमारी लेडीज़ बहनें थी वो भी दिक्कत में आ रही थी, अब हर जगह स्वच्छालय बने हुए हैं और भी बहुत सुविधाएं बनी हुई हैं, ठीक काम हुआ है। यानी आप खुश हैं सरकार? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। चलिए आप अपना नाम बताएंगे। जी मुकेश ओन जी सर। मुकेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग हैं, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं सरकार के इंतज़ाम से। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सरकार का इंतज़ाम है, बहुत ही बढ़िया एकदम, नहाने में खूब आनंद आ रहा है, बहुत लोग अच्छे श्रद्धालु बहुत अच्छे स्नान कर रहे हैं और नहाने का आनंद ले रहे हैं पूरा, बहुत बढ़िया तरीके से। पहले इतने इंतज़ाम नहीं होते थे? पहले इतने इंतज़ाम नहीं थे, अब ज़्यादा इंतज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि जब से ये सरकार आई है जब से लेके तो हर चीज़ में मौज मस्ती आ रही है, नहाने में ही मज़ा आ रहा है। तो बाबा की सरकार से खुश है? बाबा की सरकार से बहुत अच्छे खुश है साहब। अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया? उन्होंने ऐसी इतनी अच्छी सुविधा नहीं दी है, जो बात है जो मोदी सरकार में बाबा की सरकार में है, इसमें मतलब पब्लिक हर जगह से खुश है, जगह से खुश है। 24 का वक्त भी नज़दीक है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल पूरी तैयारी से उन्हें जिताएंगे। तो मोदी साहब को जिता रहे हैं? जी हाँ जी, योगी साहब को भी, मोदी साहब को, दोनों को। योगी और मोदी साहब के काम से खुश हैं इसलिए आप उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे खुश है साहब। हमें डुबकी लगा के यही मांग रहे हैं क्या? यही मांग रहे हैं, गंगा मैया से उन्हें जिताए हर साल। तो गंगा मैया से क्या क्या मांगा जा रहा है इस वक्त आप देख रहे हैं? बताया। अक्षित यादव। अक्षित, उम्र में काफी छोटे हो लेकिन कैसा लग रहा है यहाँ पर गंगा में नहा के, और क्यों आते हो यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है लेकिन आते क्यों हो? मेला देखने आए। मेला देखने आते हो? गंगा जी नहाने आए हैं। गंगा जी, गंगा जी तो माँ है, सब पाप धोने आते हैं यहाँ पर? हाँ पाप धुले हुए। पाप धुले हुए? कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया लग रहा। तो दोस्तों के साथ आए हो या परिवार के साथ? परिवार के। परिवार के साथ, मम्मी पापा सब आए हैं? हाँ। कितनी डुबकी लगाई है? 5,000। 5,000 डुबकी लगाई है। चलो तो ये छोटा सा बच्चा जो गंगा माँ में डुबकी लगाने आया है और बता रहा है कि किस तरीके से दोस्तों के साथ अपने माता पिता के साथ पहुँचा है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। चौहान। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी हैं? तगड़ी व्यवस्था है जी, योगी सरकार में तो व्यवस्था व्यवस्था। योगी सरकार से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं जी। अखिलेश यादव तो कहते थे हमारी सरकार में सब ठीक हो रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं, हम तो इस सरकार में खुश हैं जी। अच्छा, 24 का समय है? हाँ तो योगी सरकार है जी। रोकना उसकी नहीं है किसी के भी। अच्छा, बाबा आएंगे? कोई रोक नहीं सकता लव योगी बाबा को। बिल्डोजर बाबा? बिल्डोजर बाबा आएंगे, आगे को भी रंगे, अब भी रहे और आगे को भी रंगे। 15 साल मोदी, 15 साल योगी और भाड़ में जाओ विरोधी, सिस्टम है अपना। 15 साल योगी, 15 साल मोदी और भाड़ में जाओ विरोधी, ये जनता कह रही है, क्योंकि जनता काफी खुश है
इन इंतजामों से जो योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं। हालांकि पिछले और सरकारों की बात करें तो भी हमने जानना चाहा, इतनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती थी, चाहे फिर महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो, लेकिन इस व्यवस्था से वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर श्रेष्ठ भारत आपको दिखा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।